नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव शुरू होने वाला है। पहले चरण में बूथ स्तर पे और पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं और अब आरजेडी का जो सदस्यता अभियान है उसे भी 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जगदानंद सिंह के बाद बिहार आरजेडी का कप्तान कौन होगा, ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है और ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आरजेडी समर्थकों के साथ विपक्षी भी जानना चाहते हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा, कम से कम 30 दिन के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। लेकिन कुछ जो खबरें आ रही हैं उससे ये भी क्लियर हो रहा है कि जगदानंद सिंह दोबारा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे, और जगदा बाबू ने खुद ही इनकार कर दिया है इस प्रोफाइल के लिए। हालांकि आरजेडी नेता अभी इस पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दरअसल आरजेडी के सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, पहले ये 30 जून तक था और फिर बाद में इसको बढ़ा करके 15 दिनों के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव होगा। पहले चरण में बूथ स्तर से पंचायत स्तर के चुनाव होंगे और इसके बाद प्रखंड स्तर और फिर जिला स्तर होते हुए राज्य कार्यकारिणी तक का चयन होगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दोबारा कुर्सी नहीं संभालेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं और जो पार्टी कह रही है उसके अकॉर्डिंग जगदानंद सिंह ने दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यूं कहें कि वे प्रदेश अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते, पर ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी नए चेहरे की तलाश में है। जगदा बाबू के ना बोलने के बाद लालू और तेजस्वी नए प्लान पे काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अपनी टीम में शामिल नेताओं में से किसी एक को प्रदेश का अध्यक्ष बना सकते हैं। और अगर दावेदारों की बात की जाए तो सबसे ऊपर तेजस्वी के खास पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता का नाम सबसे ऊपर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आलोक मेहता को लालू तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाएंगे। दरअसल आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं, अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहले जेडीयू की लव कुश समीकरण का काट खड़ा कर सकती है। दूसरा, समाज में संदेश जाएगा कि पार्टी सभी जातियों का सम्मान करती है, सभी जातियों को समान रूप से स्थान मिलता है, काम करके पार्टी सबको मौका देती है अगर कोई अच्छा काम करता है। बहरहाल अभी वक्त है, हो सकता है वक्त के साथ कुछ प्लान भी बदल जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि सितंबर में बिहार आरजेडी को एक नया कप्तान मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।